बनशीर घाटी को लेकर तालिबान ने एक दावा किया है कि उसके आतंकी इस प्रांत के अंदर विभिन्न दिशाओं से दाखिल हो चुके हैं। हालांकि मसूद के समर्थकों ने इस बात का खंडन किया है। तालिबान के कल्चरल कमीशन के सदस्य अमानतुल्ला संकगनी का कहना है कि तालिबान और पंजशीर के नदन अलायंस के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के आतंकी विभिन्न दिशाओं से पंजशीर में घुस जरूर चुके हैं और इसमें उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान संकगनी ने कहा, तालिबान और नदन अलायंस के बीच वार्ता के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शनिवार को पंजशीर के शेर नाम से पहचाने जाने वाले अहमद मसूद के एक डेलीगेशन ने काबुल में तालिबान के डेलीगेशन से बात की है। वहीं दूसरी तरफ मसूद के समर्थकों ने तालिबान के इस दावे का खंडन किया। उन्होंने कहा कि तालिबान का कोई भी आतंकी घाटी में घुसने में सफल नहीं हुआ। रेजिस्टेंस फ्रंट डेलीगेशन के प्रमुख अहमद जाहिद ने कहा कि पंजशीर में तालिबान के साथ फिलहाल कोई लड़ाई नहीं हो रही। गौरतलब है कि तालिबान और मसूद के सदस्यों के बीच पहले दौर की बातचीत 25 अगस्त को हुई थी। इस दौरान दोनों ही तरफ से दूसरे दौर की वार्ता का नतीजा न आने तक एक दूसरे पर हमला न करने पर सहमति जताई गई थी। जाहिद का कहना है कि दूसरे दौर की बातचीत 2 दिन के अंदर होगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर ये बातचीत सफल होती है तो तालिबान को इसका परिणाम भुगतना होगा। जाहिद का कहना है कि वार्ता के सफल न होने पर दोनों ही तरफ से नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसकी वजह ये है कि अगर दोनों के बीच जंग होती है तो विदेशी सेनाओं की यहाँ पर मौजूदगी की राह और आसान हो जाएगी, उन्हें यहाँ पर होने का बहाना मिल जाएगा। इसी बीच अमेरिका के 2 सीनेटर ने कहा कि पंजशीर को सिक्योर जोन के रूप में हमें देखना चाहिए और इसे स्वीकृत भी करना चाहिए। एजेंसी की खबर के मुताबिक ये भी कहा गया कि तालिबान ने पंजशीर की तरफ गुलबहार जबल सराज इलाके से आने वाले रास्तों को बंद कर दिया है। बहरहाल दोनों गुटों के बीच चल रही इस लड़ाई में जीत किसकी होगी और किसकी बातें सच साबित होंगी ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।